केरेडारी में एनटीपीसी के अधीन काम कर रहे एलएनटी कंपनी के कन्वेयर बेल्ट का काम ग्रामीणों ने रोक रखा है। वे यहां 19 दिसंबर से धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे इन ग्रामीणों से सोमवार को एनटीपीसी के एजीएम एसपी गुप्ता, सीओ राकेश कुमार तिवारी और थाना प्रभारी साधन चंद्र गोराई ने वार्ता की। ग्रामीणों ने कहा कि हमारी जमीनें ले ली गई लेकिन हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है। कहा, हमें हमारा अधिकार दिया गया तो हम काम नहीं रोकेंगे। कंपनी के अधिकारी ने नियम संगत तरीके से काम करने और उनकी सभी समस्याओं के समाधान की बात कही। अगली बैठक विधायक अंबा प्रसाद के नेतृत्व में होगी। देखें खबरें हजारीबाग के लिए अजय तिवारी की रिपोर्ट। आज यहाँ पांडू जहाँ एलएनटी का कन्वेयर बेल्ट बन रहा है एनटीपीसी के लिए, आज एक ओर जहाँ सुभाष चंद्र बोस का लोग जयंती मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पांडू ग्राम के जितने भी यहाँ पर भूरैयत हैं वे अपना हक और अधिकार को पाने के लिए यहाँ पर आंदोलनरत हैं और धरना पे बैठे हुए हैं। आइए दिखाते हैं धरना पे बैठे हुए लोगों का क्या जो है सो मकसद है, क्यों धरना पे बैठे हैं। यहाँ मांगे पूरा कर रहे हैं, जमीन का एक एकड़ में कम से कम एक लाख होना चाहिए, घर का हो गया है, घर जितना सा एरिया है किसी का के कितना एरिया है उसमें दुगुना बढ़ा देना चाहिए। यहाँ कब से हैं आप लोग बैठे हुए? 3 दिन से। 3 दिन। 15 साल का बच्चा है, 18 साल का बच्चा है या 16 साल का बच्चा है, उन लोग को विस्थापित देना है या फिर जो काम में लगे हुए हैं कंपनी वो हमको पूरा करो, कंपनी में जो लगा हुआ है उसको काम बढ़ाना चाहिए या मंथली बढ़ाना चाहिए, ये बात है। इसी वजह से हम लोग धरना दिए हैं, अपना मांगे पूरा करने के लिए। पूरा वीडियो छोड़ लाई घर घाट लेकर में लिखा लो शहर में हो रहा है, हमें ना बोले जान वो जाकर में लिखा लो से हमरा चाहिए, बस बात खत्म। ई ला लिख ला चाहिए हमरा कुछ ना चाहिए। कोई ना बोल रहा, मोबाइल रखिए ना, आप रखिए मोबाइल रखिए। ऐसे भी हैं जिनकी जमीन नहीं गई है, वो लोग भी कार्य रहते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका जैसे जेसीबी लगना, बेल ऑर्डर लगना, जो भी है पानी टैंकर लगना, इस तरह के लोग भी इसमें कार्य रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि लोग रोजगार बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिए। कुछ लोग ऐसे भी है जो यहाँ काम लेकर काम कर रहे हैं, इसी पांडू के लोग एलएनटी से काम लेते वो भी लाभान्वित हो रहा है, तो जो करना है वो कर रहे हैं। और जो भी इसमें कंफ्यूजन है, हम जो बोल रहे हैं कि भाई नहीं हम 200-250 नहीं दिए हैं, वो चीज एक जो सम्मानित लोग पांडू पंचायत का है वो लोग एक बार कमेटी बनाकर चेक कर सकता है। मेरे तरफ से ओपन है, हम एलएनटी के कोई है आया है एलएनटी आप बुला लेते हैं उनको उनको है। तीसरा चीज है कि एनटीपीसी और एलएनटी कंपनी के अधिकारी के द्वारा फंसाए गए झूठे केस को वापस लिया जाए, ये हमारे अधिकार का क्षेत्र की बाहर है। कल मेरा कोई कालर पकड़ेगा हम केस करेंगे, हम आपका कालर पकड़ेंगे आप केस करेंगे, उस वो कानून के दायरे में जो होगा वो हमारे साहब देंगे, इसका जवाब साहब देंगे। तीसरा पाँचवा चीज, जमीन का मुआवजा बढ़ा हुआ दर से 24 लाख प्रति एकड़ दिया जाए। सर जो सरकार का नियम है, जो भारत सरकार और झारखंड गवर्नमेंट का कहा गया है कि 15 दिसंबर 2020 के बाद जो भी जमीन हम एक्वायर करेंगे उसको 24 लाख के रेट से देंगे। आज तक का जो इतिहास रहा है कि जब एक बार हम 10 दिए, सरकार ने बोला कि नहीं इसको 10 को 15 बढ़ाओ, 15 दिए, सरकार ने बोला 15 का 20 बढ़ाओ, 20 दे दिए। तो अभी जो है सरकार कल कहेगी 1 करोड़ दो, हम 1 करोड़ देंगे एज ए एनटीपीसी रिप्रेजेंटेटिव। तो अभी 24 लाख के रेट से मिल रहा है, उसका इफेक्टिव डेट 15 दिसंबर 2020 है। जीएम लैंड का मुआवजा रेती के समतुल्य दीजिए, एनटीपीसी के पास कोई अधिकारी नहीं है। आप यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी मैडम से इसके बारे में बात किया जाए, जीएम लैंड के बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। सरकार के अधीन जीएम लैंड है, हम उसका पेमेंट कर चुके हैं, जीएम लैंड के बारे में मेरा कोई ये नहीं है। चौथा चीज, कन्वेयर लाइन से विस्थापित परिवारों का विस्थापन का लाभ अभी विलम्ब दिया जाए। कन्वेयर लाइन में जो हमारे एसेट्स हैं उनका पेमेंट हो चुका है, अभी तक उसके लिए कमेटी बनी है, कमेटी ने अपना रिकमेंड किया है कि जो सीबीए के तहत जो गांव में और लोगों के तरफ विस्थापन हम दे रहे हैं उसमें भी वो चीज़ हम लागू करेंगे। वो जल्द से जल्द अभी पहली बार, चाहे पकड़ी बरवा ड्यूटी चाहे हमारा, अभी पहली बार एलए के तहत हमने विस्थापन नहीं दिया, कहीं भी नहीं दिया। पहली बार एक कमेटी बनी है, कमेटी ने ये निर्णय दिया है कि जो सीबीए में जो नियम कानून है उसको एलए में लागू किया जाए। तो एसेट का पेमेंट हो गया है, उसका भी विस्थापन हम जल्द से जल्द करेंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधि से मेरा निवेदन है
इस बात को भी वो ऊपर तक ले जाए।